हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको ऐसे खूंखार डॉग्स के बारे में बताने वाला हूं कि जिनसे भूलकर भी कभी पंगा मत लेना, वरना आपकी जिंदगी खतरे में ही नहीं बल्कि खत्म भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन पांच ऐसे सबसे गुस्सैल खतरनाक डॉग्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो नंबर पांच पर जो डॉग है वो है बॉक्सर। बॉक्सर डॉग जर्मनी कंट्री से संबंध रखता है। ये डॉग स्वभाव से बड़ा हठी किस्म का होता है। ये डॉग बहुत ही खूंखार किस्म का होता है। ये अपने मालिक के लिए बड़ा वफादार तो होता ही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के प्रति बेहद गुस्सैल और आक्रामक होता है। इनका शरीर बहुत ही मस्कुलर और पावरफुल होता है। कई देशों में यह परंपरा इस डॉग को लेकर ये रही है कि लोग इसकी पूंछ को काटकर छोटा कर देते थे, लेकिन कई पशु संरक्षक संगठनों के दबाव के कारण इस पर कई देशों में बैन लगा है। इसका वजन 25 से 35 किलोग्राम तक होता है और ये डॉग दिखने में जितने खूंखार लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा ही उससे कहीं ज्यादा खूंखार होते हैं अगर गुस्सा आ जाए तो। नंबर 4 पर है डॉबरमैन डॉग। इसे डॉबरमैन फिंस्चर या डोबी के नाम से भी जाना जाता है। डॉबरमैन डॉग स्वभाव से काफी अग्रेसिव होता है और आक्रामक होता है, और इसी कारण से कुछ ही लोग इसे पालने का शौक भी रखते हैं। डॉबरमैन एक एथलीट नस्ल है। ये डॉग बहुत साहसी, बुद्धिमान, वफादार और सतर्क होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग देना आसान होता है क्योंकि इनमें चीजों को जल्दी सीखने की काबिलियत काफी होती है। डॉबरमैन एक पारिवारिक डॉग है जिन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने पर ये ज्यादा गुस्सैला और खतरनाक हो जाता है। इसलिए इन्हें अच्छी ट्रेनिंग की भी काफी जरूरत होती है। इसे इसको पालना है तो जरा ध्यान से। नंबर 3 पर है बुल मस्टिफ। ये डॉग बुल डॉग और मस्टिफ डॉग के बीच ब्रीडिंग करवाई गई है, और जिससे इसकी बुल मस्टिफ की उत्पत्ति। इस डॉग को गार्ड डॉग भी कहा जाता है, मतलब देखभाल करने में माहिर। और इस डॉग को कई मुल्कों में पालने में प्रतिबंध भी लगा है, क्योंकि ये डॉग बड़े ही आक्रामक होते हैं। मालिक के लिए वफादार, लेकिन औरों के लिए बिल्कुल काल, और ये कई बार बच्चों पर भी ये हमला कर देता है। इन्हें इसके लिए बढ़िया ट्रेनिंग और सभी लोगों से घुलना मिलना ये सब करना चाहिए, और इनकी उम्र 8 से 10 साल तक की होती है, और इनका वजन 100 से 105 पाउंड तक होता है। ये डॉग काफी ऊर्जावान होते हैं और गुस्सैल भी होते हैं। अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो घातक भी साबित होते हैं। और नंबर 2 पर आता है रॉटवेलर। ये डॉग दुनिया का दूसरा सबसे खूंखार डॉग है। ये डॉग अपने एग्रेशन के लिए काफी बदनाम भी है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में इसे घर पर पालना बैन है, लेकिन भारत में रॉटवेलर को घर पर पालने पर कोई बैन नहीं है। ये डॉग इतना खतरनाक होता है कि गुस्से में ये शेर के साथ भी लड़ सकता है। ये डॉग प्राचीन रोम के डोबर कुत्ते की नस्ल है, जो भीड़ में रहने वाले बेहद समझदार नस्ल। इस डॉग की उम्र औसत 8 से 10 साल की ही होती है, और इसका वजन 60 किलो तक होता है। वैसे तो ये डॉग काफी समझदार भी होता है, लेकिन अगर आपने इसके साथ छेड़खानी भी की तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। और अपने मालिक के लिए तो वफादार होता ही है, और अजनबियों को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इसलिए इस डॉग से जरा संभल के रहना। और नंबर 1 पर आता है पिटबुल। इस डॉग को कौन नहीं जानता, और ये डॉग दुनिया का सबसे खूंखार डॉग है। इसका बड़ा जबड़ा और मजबूत शरीर देखने पर ही लोगों को डरा देता है, और इस डॉग की वजह से ज्यादातर लोगों की मौतें भी हुई हैं। जैसा कि आपने हाल ही में लखनऊ में जो घटना हुई थी उसे देखा कि उसने अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मारा, और इसी वजह से इसी गुस्सैल स्वभाव के कारण ये डॉग 24 देशों में बैन भी है। वैसे तो ये डॉग समझदार भी होते हैं, पर इनसे पंगा लिया या इन्हें गुस्सा दिलाया तो ये फिर छोड़ते भी नहीं। एक बार जहां इनका दांत लग गया तो समझ लो वहां से उस जगह को फाड़ कर ही छोड़ेगा। कई बार लोग इन कुत्तों की आपस में लड़ाई भी करवाते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि वो कितना एक दूसरे को नोच देते हैं फिर भी नहीं छोड़ते। इस डॉग से भूलकर भी कभी पंगा मत लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये डॉग अच्छा भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग अच्छी मिले तो, ऐसे नहीं। और ये डॉग इतना पावरफुल है कि ये सीधे सीधे बाघ से भी लड़ जाता है, पर उसे मारने की भी ताकत रखता है, तो इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग में शामिल किया गया। तो ये सारे डॉग जो आपको मैंने बताया, ये डॉग सबसे खूंखार डॉग, उनसे हमेशा सावधान रहें। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी ही रोचक जानकारियां, अमेजिंग फैक्ट्स रोज देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे फिर से किसी बेहतरीन फैक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।